अभी अभी मौसम विभाग की तरफ से बारिश के लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तो चलिए दोस्तों इस खबर के विस्तार से जानेंगे। जानने से पहले, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इन राज्यों में होगी बारिश, छाया रहेगा घनो कोहरा। जानिए अगले 3 दिनों के मौसम के हाल। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले दिन घनो कोहरा छाया रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 से 16 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत दिल्ली NCR में घनो कोहरा छाया रहने का अनुमान है। वही उत्तर प्रदेश में 14 और 15 फरवरी को सुबह के समय घनो कोहरा छाया रह सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने देश के अलग अलग कई राज्यों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक और पश्चिमी इस सब के वजह से एक बार फिर मौसम बिगड़ने की संभावना है। 14 से 16 फरवरी के बीच उत्तरी इलाका में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 फरवरी के मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र के दक्षिणी और मध्य के हिस्से एवं मराठवाड़ा में गरज के साथ छिटपुट बारिश की संभावना जताई है। वही 17 फरवरी के पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अलावृष्टि की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 13 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाका में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वही 14 से 16 फरवरी के बीच उत्तराखंड के कोई इलाका में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय इलाका में 14 और 15 फरवरी के सुबह घनो कोहरा छाया रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 14 से 16 फरवरी के बीच उत्तरी इलाका में बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड के चमोली में 14 फरवरी से हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तपोवन और जोशीमठ में भी मौसम बदलने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में 15 फरवरी तक बारिश की संभावना बनी हुई है। हरियाणा में अभी 20 फरवरी के सर्दी का कोहराम रहेगा, लेकिन फरवरी के आखिरी दिन में तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है। हालांकि रात में तापमान में गिरावट देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह घनो कोहरा छाया रहा और इसके चलते सुबह 8:30 बजे सफदरजंग में दृश्यता गिरकर 50 मीटर तथा पालम में 250 मीटर रह गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में रविवार सुबह भी घनो कोहरा और आंशिक बादल छाया रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहर में आज सुबह न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में रविवार सुबह घनो कोहरा, अत्यंत घना कोहरा और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकारी ने कहा है कि कल अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः लगभग 28 और 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी आज वायु गुणवत्ता बेहद खराब है श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।